नमस्कार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। देखिए, इसके पहले जो लेक्चर लिए थे आपको डिटेल बताया था, फाइलम के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्के हेलमिन्थेस, ये हम आपको डिटेल बता चुके हैं। और आज हम आपको डिटेल बताएंगे फाइलम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ये देखिए, इसमें यूनिट 4 को हमने टोटल दो मॉड्यूल में डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम एनिलिडा एंड जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, दोनों टॉपिक को हमने मॉड्यूल 1 में रखा है, जो हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 इसी पार्ट का, इसी यूनिट का सेकेंड फेज, मतलब सेकेंड मॉड्यूल हमने बनाया है मॉड्यूल 2 में, जो जिसमें कि हम आपको जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मोलस्का के बारे में बताएंगे, और दूसरा इसी का पार्ट होगा लार्वल फॉर्म्स होगा, जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड लार्वल फॉर्म्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, यानी मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा को हमने मॉड्यूल 2 में रखा है। और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दो फाइलम को हमने मॉड्यूल 1 में रखा है। ठीक है, तो ये जब दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, तो एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 4। ठीक है, तो जैसे अब आप शुरू से देखिए, तो फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्के हेलमिन्थेस, इसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, तो सारे फाइलम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फाइलम जितने हैं आपके, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा, ये हमने टोटल 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट्स में टोटल हमने यूनिट 1-4 में सारे फाइलम को इसमें रखा है। तो एक एक करके हम इसके बारे में आपको बताते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। देखिए, एनिलिडा नाम से ही आपको क्लियर होगा, फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा, एनुलस, एनुलस मींस होता है रिंग लाइक, एनुलस मींस होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसके जो स्ट्रक्चर होगा, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे इस तरीके से अगर हम देखें तो अर्थवॉर्म हमको किस तरीके से दिखाई देगा, पूरी बॉडी इसकी कैसी दिखाई देती है, सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम ऐसे सेगमेंट्स बनाएंगे, देखिए हमने इस तरीके से सेगमेंट्स बनाए, तो ये सेगमेंट्स गलत है, क्योंकि आपने इसके पहले सेगमेंटेड बॉडी प्लैटीहेलमिन्थेस की भी पढ़ी है। इसकी मैं बात करें कि सेगमेंटेशन जो आप कह रहे हैं रिंग लाइक सेगमेंटेशन, तो वो होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन। यानी हम ट्रू सेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन। जैसे इस तरीके से अगर हम देखें, तो ये हो गई आपकी सेगमेंटेड बॉडी, एक हो गया बाहर से सेगमेंटेशन और एक इसका होता है इंटरनल सेगमेंटेशन। इस तरीके से ये इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट्स की बात करें, तो दूसरे पॉइंट्स में जो एनिलिडा होता है, या तो टेरेस्ट्रियल होगा या तो फिर एक्वेटिक फॉर्म में होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दो तरीके से होते हैं, या तो ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर ये एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं तो फ्रेश वाटर हो सकते हैं या मैराइन वाटर हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर, पहला आपने देखा कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन, या तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं या
एक्वेटिक फॉर्म्स में होंगे। अगर ये एक्वेटिक फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो या तो फ्रेश वाटर होते हैं या फिर रेन वाटर होते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखिए, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस से स्टार्ट हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करते हैं कि सीलोम इसमें किस टाइप का प्रेजेंट होता है, तो ये होते हैं यू सीलोमेट। टू सीलोम प्रेजेंट होता है, यू सीलोमेट होते हैं, और यू सीलोमेट में भी जो सीलोम होता है उसमें ये साइलोमेट होते हैं। साइजोसीलोमेट, आप हमारा लेक्चर देखिएगा, लेक्चर दो या तीन, दूसरे या तीसरे लेक्चर में पूरा डिटेल हमने आपको बताया है सीलोम के बारे में, सीलोम का स्ट्रक्चर, कितने तरह के सीलोम होते हैं, साइजोसीलोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइजोसीलोम क्यों कहते हैं, इंट्रोसीलोम क्या होता है, इंट्रोसीलोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोसीलोम क्यों कहते हैं, उसका नाम क्यों रखा गया है। तो आप तीसरे लेक्चर में या आप देखिएगा, सीलोम के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि सेगमेंटेशन की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन, तो इस सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये जो सेगमेंटेशन होता है ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस फाइलम में प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, किस लिए इसको मेटामेरिक सेगमेंट्स कहते हैं, इस तरह से अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमें क्या दिखाई देता है कि इसका, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे इसके जाएं, तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें एपिडर्मिस कवर्ड रहता है एक्सटर्नली बाय द थिन क्यूटिकल। जो एपिडर्मिस की लेयर ये क्यूटिकल से सराउंडेड होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूटिकल क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की लेयर जो होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड, क्यूटिकल इसके बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है। अगर हम इसमें अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलर मसल्स फाइबर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर किस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर प्रेजेंट, ठीक है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर प्रेजेंट होता है। वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, देखिए अगर ये आपका देखा जाए कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर है इस तरीके से बना करके देखें, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर में इस तरीके से सर्कुलर मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया सर्कुलर और ये हो गए लॉन्गी, ठीक है। तो हम जनरल
इसका स्ट्रक्चर बताने के पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको अलग से इसलिए बता दिए कि यही आप नेक्स्ट जो स्लाइड आप देखेंगे उस स्लाइड में इसी तरह से पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि किस टाइप का ये फाइलम एनिलिडा किस टाइप का होता है, रिंग लाइक सेगमेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे एक एक एग्जाम्पल आपको आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म तो देखा ही होगा, नेरीज देखा होगा, तो इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, नेरीज और हेट्रोनेरीज में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से जो क्वेश्चन हैं ये जनरली एग्जाम में जो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं कि हेट्रोनेरीज क्या होता है, हेट्रोनेरीज का जो सेक्सुअल फेज होता है, सेक्सुअल स्टेज होती है वो क्या कहलाता है, एपिटॉक एटॉक इसमें जो डिवाइड होता है, एटॉक क्या होता है, एपिटॉक क्या होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उसको आपको डिटेल देखना पड़ेगा। तो एक तो जितनी चीज़ें हैं हमने आपको लगभग इसमें बता दी कि जो एपिडर्मिस है सराउंडेड बाय द क्यूटिकल, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक्वेटिक फॉर्म में हो सकते हैं, एक्वेटिक फॉर्म में है तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन वाटर भी हो सकते हैं। सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये हमने आपको बताया कि इंटरनल सेगमेंटेशन किस तरीके से, ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, अंदर की तरफ एक्सटर्नल ये हो गया आपका, इंटरनल ये हो गया, दोनों तरह के सेगमेंटेशन प्रेजेंट हैं। यूसिलोमेट है, यूसिलोमेट में भी साइजोसिलोमेट है, हम आपको डिटेल इसके पहले जो दूसरा या तीसरा जो लेक्चर है उसमें सीलोम के बारे में डिटेल बता चुके हैं, साइजोसिलोमेट क्या होता है, यूसिलोमेट क्या होता है, डायग्राम के साथ है उस स्लाइड में, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर हो गया और इस तरीके से सर्कुलर मसल्स फाइबर्स लगे होते हैं। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो इसका फाइलम एनिलिडा को जितने क्लासेस में डिवाइड किया है, बेसिकली इसको वैसे तो फोर हैं क्लास इसके, लेकिन जो आप देख रहे हैं जो एनिमल्स आपने देखा है, जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा है, आपने लीच देखा है, नीरीज देखा है, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है जनरली इसी से क्वेश्चन जाता है कि आपके कोर्स में देखिए एक पर्टिकुलर जीनस या कोई स्पीशीज इस तरीके से डिटेल पढ़ना नहीं है, आपको कॉमन स्टडी इस तरीके से करना है कि एनिलिडा में क्या क्या चीजें होती। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही जीनस पूछा जाता है जो आप देखे हुए होते हैं। तो इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहली क्लास है इसकी पॉलीकीटा, पॉलीकीटिन, दूसरा है इसका ऑलिगो, पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा और तीसरा है इसमें एरुनिनेरिया। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि पॉलीकीटा एग्जाम्पल क्या है, या एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल ये इस फाइलम में किस क्लास का, इसकी क्लास कौन सी है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे और उसकी क्लास के बारे में पूछा जाएगा कि किस क्लास का है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जैसे पॉलीकीटा हो गया तो इसमें आपको पता होगा कि क्या आता है, इसमें नेरीज आ गया, ये अर्थवॉर्म और इसमें लीच। ठीक है, अब नेरीज आपका किस में आ गया, पॉलीकीटा में नेरीज आ गया, ऑलिगोकीटा में अर्थवॉर्म आ गया और इसमें लीच आ गया। ठीक है, अब इसमें हम बात करें सिस्टम की, तो ये तो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने आपको बता दिया। अगर हम बात करते हैं सिस्टम की तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप के सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप के सिस्टम होते हैं इसमें। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कंप्लीट प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, रेस्पिरेशन इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, अब आप जीनस से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। या तो इसमें एक्वेटिक है तो गिल्स प्रेजेंट हो सकता है, गिल्स के साथ साथ और क्या चीज़ प्रेजेंट हो सकती है,
पैरापोडिया, पैरा पोडिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट हो सकते हैं। पैरापोडिया जो होते हैं पेयर्ड प्रोजेक्शंस इसमें प्रेजेंट, जिसको कि पैरापोडिया कहते हैं। और ये हमारा किस में प्रेजेंट होगा, जैसे मॉइस्ट क्यूटकिल है, तो मॉइस्ट क्यूटकिल किस में प्रेजेंट होती है, क्यूटकिल मॉइस्ट क्यूटकिल प्रेजेंट होती है आपकी अर्थ वॉर्म में। तो रेस्पिरेशन जो है मॉइस्ट क्यूटकिल के भी थ्रू करते हैं जो कि अर्थ वॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो मेन है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट हो सकता है, नेफ्रिडियल सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब चलिए इसमें आगे देखते हैं स्लाइड्स। देखिए अभी जो हमने आपको बताया कि इट मे बी फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक पैरासाइट्स, देयर बॉडी इज एलोंगेटेड शोइंग द ट्रू सेगमेंटेशन, ये भी हम आपको बता चुके कि ट्रू सेगमेंटेशन क्या चीज़ होता है। तीसरा बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, ये भी हमने आपको बताया, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीज़ तो आप पहले से भी पढ़ रहे हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी अलग अलग सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। शुरू से आप पढ़ते हुए आए हैं ना, आपको ये चीज़ तो पता है ना कि सेल है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके बाद हुआ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ट्रू सीलोम क्या होता है। एक एक टॉप एक एक पॉइंट्स आप देखते हुए चलिए, सारे पॉइंट्स आपसे क्लियर किया जा चुका है। बॉडी वॉल शो सिंगल सेल थिक एपिडर्मिस कवर्ड एक्सटर्नली बाय द थिन क्यूट के लिए, भी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से क्यूट के से कवर्ड रहती है और इंटरनली कवर्ड रहती है सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल से, इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये भी हम आपको डायग्राम के साथ बता चुके हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ द डाइजेशन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय नेफ्रिडिया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, ब्लड प्लाज्मा कंटेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब लेकिन आपको अलग से जीनस पढ़ना नहीं है, नहीं तो इसमें हम आपको डिटेल बताते कि किस टाइप का होता है, लेकिन सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन किस टाइप से होते हैं, मॉइस्ट स्किन गिल या पैरापोडिया होते हैं, अभी हमने आपको बताया ये भी चीज़ें। नर्वस सिस्टम सेरिब्रल गैंग्लियन डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, जो कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, डबल वेंट्रल गैंग्लियोटेड नर्व कॉर्ड पिछले लेक्चर में देखिएगा, इसमें हम आपको डिटेल बता चुके हैं इसके बारे में। सेंसरी ऑर्गन इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी या तो यूनिसेक्सुअल होगी या इसकी बाइसेक्सुअल होती है, क्लीवेज स्पायरल डिटर्मिनेट टाइप का होता है, और लाइफ साइकिल में फ्री स्विमिंग आपका ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अगर इसके बाद हम देखें फाइलम एनिलिडा का क्लासिफिकेशन, जो कि हम आपको बता चुके हैं डिटेल, पॉलीकीटा ऑलिगोकीटा हेरोनिडेरिया एंड एरेक्निडा, ठीक है, हमने इसमें आपको अभी एक्सप्लेन किया बताया था, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, इसलिए हमने इन तीन जीनस के बारे में आपको बताया। अब पॉलीकीटा किस टाइप से होता है, हेड डिस्टिंक्स आई है, पल्प्स हैं एंड टेंटेकल्स हैं, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, ऑलिगोकीटा में पोडिया एब्सेंट होते हैं, पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं, सीटी प्रेजेंट होती है। पॉलीकीटा में हमने आपको बताया कि नेरीज पॉलीकीटा ऑलिगोकीटा हेरोनिडेरिया एंड मेनली हमने आपको ये तीन क्लासेस के बारे में बताया है। पॉलीकीटा में
इस प्रेजेंट होता है। अभी हम आपको नेरीज का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। नेरीज में पैरा या प्रेजेंट होता है, पैरा इसके लोकोमोटिव करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें ऑलिगोकीटम, ऑलिगोकीटम जीनस आपने देखा होगा अर्थवॉर्म है, मालूम अभी हमने आपको बताया कि अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म में क्या चीज प्रेजेंट होती है, सीटी प्रेजेंट होती है। ये एक एक जो चीजें हैं वो आपको इसमें ध्यान से देखना। अब इसमें पैरापोडिया के साथ सीटी भी प्रेजेंट होता है, कुछ जीनस ऐसे होते हैं जिसमें कि दोनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन अर्थवॉर्म में देखें तो पैरापोडिया टोटली एब्सेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पैरापोडिया प्रेजेंट इन द फिल इन द ब्लैंक्स पूछ करके पूछा जाए, देखेंगे पॉलीगीटा क्लास फाइव पॉलीगीटा। अब अगर स्पीशीज के बारे में पूछा जाए तो आप स्पीशीज के बारे में आप बता दीजिए। ये देखिए नेरीज का स्ट्रक्चर है, ये नेरीज के स्ट्रक्चर में आपको ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, आइस दिख रहा है, आइस के बाद ये ऊपर के बाहर तरफ निकले हुए टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं, प्रोस्टोमियम पल्प दिखाई दे रहा है, प्रोटोस्टोमियम पेरिस्टोमियम ये बाहर की तरफ ये निकले हुए क्या दिखाई दे रहे हैं, सीटी, और ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं पैरापोडिया। दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट है, ये जो क्रॉस ये दिख रहा है ये सीटी प्रेजेंट है, और ये अंदर की तरफ इसके दिख रहे हैं पैरापोडियल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में इसके एनल सिराए प्रेजेंट होते हैं। एक चीज हमने अभी आपको बताया था कि नेरीज में एक क्वेश्चन ये भी होता है हेट्रोनेरीज क्या होता है, तो जो इसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है यानी जो अपने ही बॉडी में क्या होता है इसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो चेंजेस किस तरीके से आते हैं, जैसे नेरीज है नीचे के पोर्शंस में बॉडी में चेंज लाते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एपिटॉक एटॉक। तो ऊपर का जो पोर्शन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होता है वो उसका एटॉक कहलाता है, और नीचे जो फेज होता है उसका वो कहलाता है एपिटॉक जो कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। एरेनिकोला दूसरा है, ये लीच है हिरुनेरिया, सेगमेंटेड बॉडी है इनकी भी पूरी तरह से, और इसमें क्या चीज प्रेजेंट है, शक्कर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि शक्कर लाइक स्ट्रक्चर तो आपने प्लैटी हेलमिंथेस पढ़ा होगा, लेकिन प्लैटी हेलमिंथेस के जो शक्कर होते हैं इस तरीके से नहीं प्रेजेंट होते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पर नहीं प्रेजेंट होते, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है। उसमें क्या देखा होगा आपने, मिडिल में बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अब आपको एक एक जीनस नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज किस क्लास में आती है, आपको सिर्फ इतनी ही स्टडी करनी है, थोड़ा थोड़ा बेसिक करेक्टर्स है जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरी चीज है, दूसरा जो टॉपिक था इसका आर्थोपोडा, आर्थोपोडा के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आर्थोपोडा की बात अगर हम करते हैं तो आर्थोपोडा भी दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। देखिए हम एक स्लाइड पहले देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द आर्थोपोडा। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द आर्थोपोडा की बात करें तो ये किस है, ये लैंड पे रहते हैं। ये चीज पता है ना, आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे होंगे, उड़ते हुए देखा है इंसेक्ट्स, देखा होगा कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये लैंड पे रहते हैं, फ्रेश वाटर शेल्टर और ट्रीज कहीं पे भी ये रह सकते हैं हर तरह के। सम ऑफ देम फ्लाई इन द एयर। दूसरा अगर हम बात करें कि बॉडी इसकी कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है। बॉडी इनकी तीन पार्ट में, अभी हम डायग्राम से आपको बताएंगे, बॉडी इनकी तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमिन है। कुछ हेड और थोरेक्स ही मिल करके सिफेलोथोरेक्स रीजन बताते हैं, तो वो अलग अलग इंसेक्ट्स के अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें क्या होते हैं मेन, इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडिसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ द काइटिन, ट्रू सीलोम रिप्लेस्ड बाय द ब्लड फिल्ड हीमोसील, ये भी इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है। इस पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग, क्योंकि इससे भी एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ और एनस जो है प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें रेस्पिरेशंस की बात करें तो रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस गिल्स ट्रेकिया एंड बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है विथ अ डॉर्सल मेनी चैम्बर्ड हार्ट. हार्ट में बहुत सारे चैम्बर प्रेजेंट होते हैं. एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द ग्रीन ग्लैंड. ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि मेलपीजियन ट्यूबुल्स और ग्रीन ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्व रिंग डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है. ये भी इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स है. सेंसरी ऑर्गन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल आर कंपाउंड आइज कीमो रिसेप्टर बैलेंसिंग ऑर्डर एंड ऑडिटोरी रिसेप्टर. बॉडी इज यूनिसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इंटरनल पेरेंटल केयर सीन. तो ये इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं. लेकिन अगर हम एक एक टॉपिक को लेकर के चलें ठीक है इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए. अभी तो हमने सिर्फ इसको पढ़ दिया कि किस तरीके से इसमें प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल इसकी स्टडी किसी जीनस पर्टिकुलर जीनस के बारे में नहीं पढ़ रहे अगर हम इसके जो आप जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे हैं उसी के बारे में अगर हम पढ़ें थोड़ा तो इसमें हमें क्या चीज़ दिखाई देता है कि बॉडी इसकी हेड थोरेक्स और एब्डोमिन में दिखाई देती है. और इसके लेग के बारे में देखें तो लेग इसका इस तरीके से होता है. कॉकरोच में अगर हम देखें कोक्सा टोकेंटर जॉइंट्स की बात आर्थोस जॉइंटेड लेग्स जो होते हैं उसकी बात करें इसीलिए इसको स्पेशली बता रहे हैं. फीमर टीविया टार्सस ये फाइव ये हो गए. तो इस तरीके से इनमें लेग प्रेजेंट होता है जो कि सबसे लॉन्गर पार्ट इसका होता है फीविया. सबसे लॉन्गर पार्ट फीविया होता है और ये पहला ये आपका हो गया कोक्सा हो गया टोकेंटर फीमर टीबिया एंड टार्सस. ठीक है ये ज्वाइंट्स देख रहे हैं एनी ज्वाइंट्स. आर्थ्रोपोडा की खास बात होती है कोक्सा टोकेंटर फीमर टीबिया एंड टार्सस. ऑर्थोस मीन्स आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से मिलकर के बना है. ऑर्थोस मीन्स होता है ज्वाइंट्स पोडास मीन्स होता है लेग. स्किन की अगर हम बात करें तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. हमने आपको बताया इसके बारे में काइटिनस एक्सो स्केलेटन होता है. अब देखें काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस तरीके से होगा. इसका ये हो गया इसका प्रोथोरेक्स प्रोथोरेक्स थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है. ये हो गया पहला प्रोथोरेक्स फर्स्ट प्रोथोरेक्स ये इसका एब्डोमिनल यानी ये थोरेक्स एंड एब्डोमेन. हम सिर्फ इसमें आपको समझाने के लिए बता दे रहे वैसे ये नाइन सेगमेंट्स हैं कितने तो हम करके यहाँ पे बना नहीं रहे हैं. किस तरह से डिवीजन होता है ये हेड रीजन इसका माउथ रीजन है. सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. बॉडी प्लेन की बात आपने देखा ट्यूब विद इन ट्यूब है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है एक्टोडर्म है एंडोडर्म है मीजोडर्म है. सिमिट्री की बात करें बायलेटरल सिमिट्री है. सीलोम की बात करें साइजोसीलोम है ज्वाइंटेड लेग है. काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है अभी हमने आपको बताया एंड ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है. अगर हम इसमें देखें क्लास तो कितने
10 में डिवाइड किया है, इंसेक्टा, एरेकनिडा, क्रस्टेशिया एंड मारियोपोडा, चार क्लास में, वो हम आपको स्लाइड से बता दे रहे हैं कि किस तरीके से इसका डिवीजन है, डिवाइड किया गया है। एक पॉइंट और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्लासिफिकेशन अभी हम आपको स्लाइड से बताते हैं। ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम जो इसमें होता है वो 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स होते हैं, देखिए इस तरीके से अगर हम देखें, दो ये हो गए, 1 2 3 6 7 8, ठीक है, 8 इस साइड है, 8 दूसरी साइड है, 2 एक तरफ है, 2 दूसरी साइड अपोजिट साइड में है। तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स प्रेजेंट होता है। इससे जो डिवीजन होता है ट्रेकिया का, ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स में ये डिवाइड होते हैं। ट्रेकिया ये हो गए, आगे चल करके ये क्या बनाए इस तरीके से, ट्रेकिया, और फिर ये आगे चल करके इसका जो डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन, ये हो जाएंगे ट्रेकियोल्स। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर में आपके लिखा है इसलिए हमने इसको आपको बता दिए कि किस तरीके से होता है। ट्रेकियोल्स, ट्रेकिया, ट्रेकियोल्स में इस तरह से डिवीजन होता है। तो आप कोई एक पर्टिकुलर जीनस के बारे में नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो बेसिक जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो इसमें आपको देखिए, आर्थ्रोपोडा करेक्टरिस्टिक आपने देख लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, क्रस्टेशिया, मारियोपोडा, एरेकनिडा, इसमें हैबिट देखिए, एक्वेटिक हैबिट है क्रस्टेशियंस की, मारियोपोडा टेरेस्ट्रियल, एरेकनिडा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, ठीक है, ये भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है। बेसिक अगर हम इसमें मेन चीज़ें देखें तो अपेंडेजेस के बारे में स्टडी करें अगर, तो अपेंडेजेस क्रस्टेशियन में कितने हैं, 5 पेयर है। मारियोपोडा में कितने हैं, मैनी पेयर्स हैं। एरेकनिडा में कितने, 4 पेयर्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स। अगर एंटीना की बात करें तो एंटीना किस तरह से प्रेजेंट है, 2 पेयर, 1 पेयर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। रेस्पिरेशन, गिल्स है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया एंड बुक लंग्स है, एंड ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइज, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्रीन ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, तो आप देख करके लिख देंगे किसमें पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड क्या होता है। तो इसमें डिटेल आपसे ग्रीन ग्लैंड के बारे में स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में ही पूछ दिया जाएगा कि मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ, किस में, किस क्लास में प्रेजेंट है, ग्रीन ग्लैंड किस क्लास में प्रेजेंट है, है ना, कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड दोनों किसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो वही हो गया, देखिए स्कॉर्पियन है, ठीक है, डायग्राम आपने देखा ही होगा क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें। ये आपका पैलेमोन है, तो आपने आज के लेक्चर में फाइलम, एनिडा और आर्थ्रोपोडा
फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल पढ़ें, जो हम आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कि इसमें देखिए, आपके कोर्स में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, पूरा जीनस नहीं पढ़ना है, लेकिन जीनस नहीं पढ़ने का ये मतलब नहीं है, जैसे जितना हमने आपको बताया उतना तो ज़रूर देख लीजिएगा कि एक एक नंबर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।